क्या हुआ छोटी दुल्हन? शाबुद्दीन से बात हुई आपकी? नहीं मान रहे। समझाइए आप अपने भाई को, क्या चाहते हैं? अना की भेंट चढ़ा दे हम अपनी बेटी को? बेटी है वो हमारी। हम समझाएंगे उन्हें, आप परेशान मत होइए। अरे कैसे परेशान ना हो, देखा है आपने उस लड़की को? हमारी बेटी के नसीबों पर राज कर रही है। क्या कसूर है हमारी बेटी का, जो इतनी बड़ी हवेली होते हुए भी दूसरों के घरों में रह रही है? ऐसे होते हैं बाप? एक बात हम आपको साफ साफ बता रहे हैं, अपने हक के लिए तो हम नहीं लड़ सके, लेकिन अपनी बेटी के लिए हम खामोश नहीं रहेंगे। जमीन और आसमान एक कर देंगे हम। कह दीजिएगा अपने भाई को, जंग आज से शुरू होती है। नहीं आपा, नहीं, हम उस नाखल्फ नाफरमान को कभी माफ नहीं कर सकते। नहीं, बेटी है वो आपकी, औलाद है आपकी, दुनिया वाले क्या कहेंगे? इतने बड़े नवाब की बेटी दर दर की ठोकरें खा रही है। क्या हो गया है आपके दिल को? पत्थर दिल के हो गए हैं हम, पत्थर दिल के। जिस दिन फारिया इस घर से भागी थी, उसकी बारात हवेली के दरवाजे पे खड़ी थी, और नवाब शहाबुद्दीन अपनी पगड़ी अपने दोस्त के कदमों में रखने वाला था, उस दिन पत्थर के हो गए थे। नहीं, हम नहीं मानते। औलाद के मामले में दुनिया का कोई इंसान पत्थर दिल नहीं हो सकता। सारी जिंदगी आपने दिलावे से नफरत की, और आज आप उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ऐसी बात मत कीजिए, दिलावेस ने हमारी और हमारी हवेली की इज्जत रखी है। दिलावेस ने हमें सरेआम बेइज्जत नहीं करवाया। दोनों ही आपकी बेटियां हैं, लेकिन सारे बच्चे एक जैसे तो नहीं होते। हर एक का अपना मकाम होता है, अपनी अहमियत होती है। खुदारा आप दिलावेस और फारिया का मुकाबला मत कीजिए, दोनों के नसीब मुख्तलिफ हैं। नहीं आपा, नहीं, अब ये फैसला जल्दबाजी में नहीं, नहीं करेंगे हम ये फैसला जल्दबाजी। फारिया रात के अंधेरे में हवेली से भागी थी, तलाक लेकर वापस आई है। क्या कहेंगे हम दुनिया को, बताइए क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इस वक्त आप दुनिया की फिक्र मत कीजिए, अपनी बेटी के बारे में सोचें। क्या हुआ अगर वो तलाक लेकर आ गई? हम उनकी शादी दोबारा करा देंगे, कोई ना कोई तो उन्हें मिल जाएगा ना। सब कुछ ठीक हो जाएगा, अल्लाह पे भरोसा रखिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हमें हमेशा
अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है, ले आइए आप लोगों से हवेली। अगर उसे कह दीजिएगा हमारे सामने आने की कोशिश मत करें, हम नहीं देखना चाहेंगे उसका चेहरा। जी, हम आपके बहुत मशकूर हैं, आपने अपने हमारा मान रख लिया।